हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। फिलहाल गाइस, मैं सुबह हो चुकी है, 7 बज गए हैं, मैं भी थोड़ा सा छप गया हूँ। और मेरे पीछे जो कबूतर है आपको दिखाया था मैंने, जिसके पैर में चूड़ी सी है, वो देखो, ये छज्जे पर बैठा हुआ, ये देखो बैठा हुआ, कहीं नहीं जाता है, ये देखो उसके पैर में है ना, गौर से देखो। आओ 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 आओ, सारे कबूतर हैं यहाँ भी, आओ 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 आओ। डांस दिखा रहा है हमको, डांस, आओ 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 आओ। उसमें फूल है हमारी छत पे, ये देखिए मेथी है, और ये जो है प्याज है, प्याज की फूल है। सुबह सुबह कौवा भी बोल रहे हैं, देखिए ये देखो पौधे, इसमें कांटे कितने सारे हैं, कितने सारे कांटे हैं, और फूल भी बहुत खूबसूरत आते हैं। ये एलोवेरा है, पर इसका ही डंडी से निकल गया है, फूल हो गया। तो देखिए ये हमारी छत का नज़ारा है कुछ इस तरह। सूर्य भगवान भी अब उगाए हैं, रोशनी दे रहे हैं, अब 7 बज गए, उगाए हैं। देखो टंकियाँ इसके पास में से दिख रही, देखो। तो गाइस जल्दी फटाफट बुरुस वगैरह करके हमको जाना है गाड़ी छोड़ने वसुंधरा। कल जो हमारे गाड़ी चलाते हैं बंटी भाई, वो छुट्टी मार दिए, तो मैंने कल दूसरा लड़का भेजा था, वो गाड़ी वो वहाँ से आता कैसे, उसको कुछ पता नहीं था वहाँ का रास्ता। तो मैंने कहा भाई गाड़ी ले आइए वापसी, तो गाड़ी हमारे पास छोड़ गया था, वो गाड़ी को हमको देने जाना है, वापसी रखने जाना है। तो सबसे पहले हम बुरुस वुरुस करते हैं, नहाते धोते हैं, फिर चलते हैं। फिलहाल टंकियाँ भर रही हैं, ये टूट गई है टंकी, इसको ठीक कराना है। तो चलिए गाइस नहाते धोते हैं, बढ़िया फ्रेश होते हैं, ब्रश हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और अगर टाइम मिला तो चाय वाय पी के फिर चलते हैं वसुंधरा, क्योंकि फिर ना टाइम ही नहीं मिलता। और रोहित नन्नी पायल तो अभी फ़िलहाल सो रहे हैं, क्योंकि कल जो है अपनी चाची के पास वो गए थे कड़कडुमा, वहाँ पे बाबू हुआ है, छोटा बाबू, भतीजा हमारा कंदू, उसके लड़का हुआ था, तो वहाँ गए थे, कीर्तन हुआ था, औरतों में जो कीर्तन होता है वो हुआ था, तो वहाँ गए थे, वो लेट आए थे, तो सो रहे हैं अभी। चलिए फ़िलहाल हम चलते हैं, हाथ मुँह धोते हैं। चलो भाई नीचे आ गए, गाइस सबसे बड़ी बात है बतकें ली थी, बतख दो पायल ले आई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये है हमारी गली का नज़ारा इस तरह। वो स्कूटी खड़ी है नीचे, ये स्कूल है इधर, सामने के मकान है इस तरह। चलो बंद कर देते हैं पहले दरवाज़ा। पूजा वगैरह हो गई है, पूजा पाठ हो चुकी है, ये देखिए हमारा भव्य मंदिर। ठीक है, अब चाय पत्ती ख़त्म है, वो भी ले आते हैं। अब बच्चे अभी सो रहे हैं, तो आप मोबाइल को लगाते हैं चार्ज पे, इसके बाद चाय पत्ती ला के चाय बनेगी, चाय पी के फिर हम जाएंगे वसुंधरा, गाड़ी लेके वहाँ रख के आएंगे, सुविधा से आएंगे ऑटो। देखिए गाइस बिस्कुट हमारा पिती भी खा रहा है, भर गया उसका पेट, थोड़ा सा टेस्ट कर रहा है वो। गाइस निकल चुके हैं घर से, ओनली चाय पी है, निकलते हैं। सभी भाइयों को राम राम, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। गाइस अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और जितने हो सके शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं
मिलते हैं गाड़ी पे। के टाइम पे गाइस पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है। चलो भाई इस गाड़ी साफ हाफ कर लिए, अब चलते हैं वसुंधरा, गाड़ी छोड़ के आते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 9 बज गए, आधा घंटे का रास्ता है। फिलहाल चलते हैं वसुंधरा। ये कड़कड़ी मोड़, सबसे ऊपर मेट्रो है, उसके नीचे फ्लाईओवर है और फिर नीचे रोड है, और उससे पहले मैं रेड लाइट पर खड़ा हुआ हूँ। रेड लाइट खुल चुकी गाइज, और सूर्य की रोशनी की वजह से इधर फॉग सा दिख रहा है, बोला वाइट वाइट सा दिख रहा है। तो चलिए रेड लाइट खुल चुकी है, हम निकल रहे हैं आगे की ओर। इतनी सुई है अभी, और भराते हैं कितनी आती है, जितनी भी आएगी देख लेंगे। एकदम साफ़ सुथरे भाई वसुंधरा के, ये जो गार्डन वगैरह ऐसा बना हुआ है, अच्छा मैदान है यहाँ पे, और राइट साइड में फ्लैट हैं ऊँचे ऊँचे, काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ पे। नहर रोड गया पूरा, साफ सुथरा रोड है और कोई जाम नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है, लेकिन जहाँ पे चौराहा हो जाता है वहाँ जाम हो जाता है, सीधे लोग बाग आते हैं तब जाम हो जाता है, बाकी फर्स्ट क्लास रोड है। आज पहली बार आया हूँ यहाँ से, और जब भाई के प्लॉट पर आया था तब आया था यहाँ पर, लेकिन आज साफ सुथरा रोड है एकदम। काफ़ी तेज़ी में वाहन आते हैं भाई इस रोड से, पूरा हरा भरा रोड है, हरा भरा पूरा, नहर है साइड में, चलता जा रहा हूँ। और ये जो ऊपर से एक रोड न्यू बना है वो भी है, ये देखिए साइड में दिख रहा होगा आपको, वो दिख रहा है। वैसे तो मैं चने खा रहा हूँ, अभी गाड़ी छोड़ के आया हूँ वसुंधरा में, ये के भाई मिले हैं, देखो इन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। तो अभी देखते हैं पैदल में कितना टाइम लगता है, निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ई रिक्शा चलते हैं, ई रिक्शा में बैठ के फिर आगे जो गाज़ियाबाद हाईवे है वहाँ से ऑटो मिलेगा, वहाँ से सीधा आनंद विहार निकलेंगे और पहुँचते हैं, मिलते हैं वहीं पर। हो गाइज, तो मैं घर पर आ गया था वापसी गाड़ी छोड़ के वहाँ पर, लेकिन अब याद आया कि नंदिनी पायल और रोहित की मम्मी तो है कड़कड़डुमा, तो उनको गाड़ी से लाना पड़ेगा। तो चलिए दोबारा चलते हैं और गाड़ी में उनको बिठा के घर लाते हैं, और अगले दिन ले जाएंगे गाड़ी को। चलिए चलते हैं, थोड़ा दरवाज़ा बंद करते हैं पहले, खुला हुआ है। चलो चलते हैं भाई, मिलते हैं आगे। भाई क्या हुआ था वहाँ पे? कीर्तन है, कीर्तन हुआ था। कौन आया था कीर्तन करने? बहुत सारे लोग आए थे। अच्छा, रोहित क्या कर रहा था वहाँ पे? उधर खेल रहा है। क्या कर रहा था भाई रोहित? तू तुझे समझ में आया कुछ? देखो भाई सभी लोग बैठे हुए हैं, बस सेवक हैं हम। 9 बजे हमने फ़ोन किया कि भाई पता कर ले, तो फ़ोन ही नहीं उठाया हमारे दादा साहब ने, कोई जिम्मेदारी नहीं भाई। चलो जा रहे हैं छोड़ना, इस वक्त गाड़ी लगाने भी आना पड़ेगा हमें। अच्छा नंदिनी हमें शिक्षा दे रही है, गाड़ी चला लो पापा सीधे से, चला मैं रहा हूँ, डर तुझे लग रहा है। पायल को उतार दी है, नंदिनी वगैरह चले गए हैं जल्दी, बाय बाय जाओ। गाड़ी मोड़ ली, गाड़ी मोड़ना बड़ा कठिन है यार, यहाँ पे मुड़ गई गाड़ी, गाड़ी छोड़ के आते हैं गाइस, फिर आना है दोबारा। स्कूटी भी वहीं लगी है, गाड़ी रख के आते हैं सुबह, इसमें ड्यूटी पे जाएगी गाड़ी, सीएनजी भी भरा।